नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीके रफ्तार चैनल पर। दुर्गा शक्ति और रेवेन्यू क्लर्क का जिनका एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे मेन कॉमन जो क्वेश्चन यही होता है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है या नहीं। तो आपको बता दें, इसके अंदर आपको वैक्सीन लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल एडवाइस दी गई है। अगर आपने लगवा रखी है तो आप साथ में सर्टिफिकेट लेकर भी जा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी भी नहीं है। और दूसरी बात, आपकी बायोमेट्रिक दो बार होगी, जब आप एग्ज़ाम पूरा दे देंगे उसके बाद भी आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी। आपको एग्ज़ाम पूरा होने के बाद बायोमेट्रिक के बिना बाहर आने नहीं दिया जाएगा। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी रिसेंट फ़ोटो, आपको अपनी नई फ़ोटो खिंचवानी है। आप ये डम्मी देख सकते हैं, इस प्रकार आपको डेट और टाइम लिखना है और फिर उसको पेस्ट करके और उसे गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड आपको करवाना होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड मान्य होगा। कुछ के मन में ये डाउट होगा कि डेट कौन सी लिखवानी है, तो आप डेट आज की लिखवा सकते हैं, जो कल की लिखवा सकते हैं, या एक दो दिन पीछे की भी लिखवा सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपनी ओएमआर सीट है वो खाली छोड़कर आते हैं तो उसे कैंसिल माना जाएगा, एग्जामिनर द्वारा उसी टाइम उस पर कैंसल्ड लिख दिया जाएगा। साथ में आपको एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से कोई एक लेकर जाना है, साथ में मास्क भी लेकर जाना है। 12 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले सभी कैंडिडेट को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।